अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो वेलकम माई टू चैनल सहजा ट्रैवल्स ब्लॉग में। तो कैसे हैं गाइस, आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो गाइस आज काम थोड़ा और जल्दी ख़त्म हो गया था, तो आ गए हैं यहाँ एरिया में टाटा कंपाउंड में। ये भी हमारा साइट ही है, साइट पे ही है, और यहाँ पे चल रहा है मैच और बैटिंग कर रहे थे मोहसिन भाई। क्या मोहसिन भाई, तुम्हारी बैटिंग खत्म हो गई? हाँ, इतनी जल्दी कितना रन बनाए? हाँ, कितना रन बनाए भाई? चार रन बस। और दिए कितना? एक ओवर में पंद्रह। अरे वाह, ये भाई 21 वाला है, मेरे से ज्यादा अपने में टेंशन ले। हाँ, तो अभी दूसरे खिलाड़ी बच गया। अब हम चल रहे हैं बैंड्रा, क्या बोलते हैं हार्दिक भाई, मस्त ना? और ये सब खेल रहे हैं क्रिकेट। मैं अभी पहुंचा हूँ खार लिंक रोड पे, इसकी रोड पे ट्रैफिक बहुत था क्योंकि वो मेट्रो का काम चल रहा है ना, तो उधर बहुत ट्रैफिक होता है शाम के टाइम, तो इतना ट्रैफिक होता है, बहुत ट्रैफिक हो जाता है। बस मिट्टी भाई के सिग्नल से सांता क्रूज के सिग्नल पे जाने के लिए 1-1 घंटा लग जाता है, इतना ट्रैफिक रहता है वहाँ पे। अभी पहुँचा हूँ खार लिंक रोड। तो मैं पहुँच चुका हूँ बैंड्रा बैंड स्टैंड के बस स्टॉप पे गाइस। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, खूबसूरत लग रहा है। और ये है ताज होटल बैंड्रा बैंड स्टैंड में, बस स्टॉप के पास में है ताज होटल। कितना खूबसूरत है, देखिए गाइस कितना खूबसूरत है, बहुत बड़ा होटल है ये। बैंड्रा बैंड स्टैंड के बस स्टॉप के जस्ट बाजू में ही है, बहुत अच्छा लगता है होटल रात के टाइम पे, बहुत मस्त लगता है, बहुत अच्छा। ओहो, ये अच्छे अच्छे बंगले हैं यार यहाँ पे। तो ऐसा लग रहा है कोई पुराने ज़माने की ये हवेली है, ये काले पत्थर से बनी हुई पुराने ज़माने की हवेली लग रही है ये, तो इसकी है मालूम नहीं। और इसके जस्ट बगल में दो बिल्डिंग छोड़ के शाहरुख खान का बंगला है, तो हम आपको शाहरुख खान का भी बंगला दिखाते हैं। ये कांच वाली बिल्डिंग के जस्ट बाजू में ही है, ये कांच की बिल्डिंग है, इसके जस्ट बाजू में है। और ये किसका बंगला है मालूम नहीं, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, ये भी अच्छा लगता है, बंगला मस्त बना हुआ है। तो गाइस ये रहा शाहरुख खान का बंगला, और इनके बंगले के बाहर हमेशा भीड़ होती है, कोई भी दिन हो देख रहे हो कितना भीड़ है, बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे, सब खड़े रहते हैं देखने के लिए। और ये रहा शाहरुख खान जी का बंगला, देख रहे हो गाइस, बारिश की वजह से प्लास्टिक डाला हुआ है। और उसके पीछे है वो गेट दिख रहा है ना, वो है। तो ये रहा शाहरुख खान का बंगला, कोई ईद या ईद बकरा ईद का कोई भी त्यौहार होता है तो शाहरुख खान जी इधर ऊपर आके खड़े होके अपने फ्रेंड्स को हाथ दिखाते हैं, सब मिलते हैं फ्रेंड लोग से यहीं से ऊपर से, कभी कभी बेटे के साथ भी आते हैं। देख रहे हो गाइस कितनी गर्दी है यहाँ पे, हमेशा यहाँ पे पब्लिक खड़ी रहती है देखने के लिए। आते हैं थोड़ी समंदर की सैर। यहाँ पे लॉकडाउन में लोगों ने फाइन मारने वाले लोग क्या जैसे मेला लगा के खड़े रहते थे फाइन मारने के लिए, जैसे रिक्शे से कोई उतरता था जरा सा भी मास्क नहीं, नाक से नीचे
लाओ 200 रुपया। सीधा 200 रुपये की पावती फट जाती थी, अभी नहीं है, अभी तो बंद हो गया सब। तो ये देखो गाइस कितना खूबसूरत लग रहा है शाम के टाइम यहाँ का नज़ारा, अच्छा है। शाम के टाइम बैठने बैठो यहाँ पे आके एक घंटा, बहुत अच्छा लगता है। अभी तो पानी पूरा नीचे उतर गया है इसलिए पब्लिक पूरा वहाँ अंदर तक चली गई, पानी आता है तो पब्लिक सब यहीं ऊपर ही बैठे रहती है, यहीं पे सब पूरा यहाँ पे। और इधर पे एक स्टॉल है, इसके यहाँ पे पेटीज बहुत अच्छा मिलता है, मैं अगर कभी भी आता हूँ तो यहाँ पे पेटीज ज़रूर खाता हूँ, दिखाता हूँ आपको मैं। अंकल पेटीज है, पेटीज क्या है, समोसा है एक दोनों, तो गाइस खा लेता हूँ समोसा, समोसा खा लेते हैं, दिखा के खाओ। आज पेटीज नहीं अंकल, घर का समोसा चल रहा है। क्या चल रहा है, घर का समोसा, ओके किसका है, मेरे वीडियो ले रहा, मैं यहाँ पे आता हूँ कभी भी पेटीज खाता हूँ, आज आज नहीं है, तो आज पेटीज नहीं है, समोसे से काम चला लेते हैं। हमने खा लिया समोसा और दो मिर्ची खा ली, बहुत तीखा लग रहा है। हाँ तो और क्या खाना चाहिए, तो सोच रहे हैं खा ले भुट्टा। तो कैसे दिए अंकल, 30 वाला कौन सा है, 30 वाला ही आएगा, छोटा है वो तो, थोड़ा दूसरा निकालो ना, ये वाला निकालो, ये वाला भून दो, भुट्टा नहीं खाया बहुत दिन हो गया, भुट्टा भी खा लेता हूँ। अरे चुप कर रहे भाई, मेरे सिकड़ी में आप कैसे लाल लाल हो रहा है, हवा का जरूरत नहीं है, समंदर के हवा से ही सिकड़ी पूरी जल जा रही है ना अंकल, हवा नहीं करना पड़ता है ना, ऐसे जल जा रहा है। अभी भुट्टा भून जाएगा, इसको मैं खाऊंगा, बहुत दिन के बाद भुट्टा खा रहा हूँ ना, भुट्टा गांव में खाने मिलता था। और तो देख रहे हो गाइस कितना खूबसूरत नज़ारा है बांद्रा बैंड स्टैंड का, कितनी पब्लिक है, संडे के दिन तो पूरा फुल भरा रहता है। और ये जो बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग बहुत सी मूवी में दिखाया है, और ये बिल्डिंग का एक ही खासियत है कि ये दिन इसमें इस बिल्डिंग के ऊपर ना कौवे बहुत बैठे रहते हैं, बहुत कौवे उड़ते, क्या मालूम ऊपर क्या है, इतने कौवे रहते उड़ते रहते, समझ में नहीं आता कि कौवे लोग के लिए बनाया गया बिल्डिंग, बहुत कौवे उड़ते हैं यहाँ पे। हो गया मेरा भुट्टा हो गया तैयार, अंकल नमक लगाए ना, तो नमक मिर्ची भी लग गई है, अब इसको हम खकोड़ खकोड़ के खाएंगे। मुझे भुट्टा बहुत पसंद है, बहुत मजा आता खाने में, मेरे दांत में फंस जाता है, खा जा खा जा। मैं अकेले हूँ भाई, कोई नहीं है, मैं दोस्त यार पालता नहीं हूँ, कहीं भी आता अकेले जाता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं है दोस्त, लेकिन ज़्यादातर मैं अकेले घूमना पसंद करता हूँ। आई होप आप लोग के मुंह में भी पानी आया होगा जरूर। तो हम अभी खा चुके भुट्टा, और भुट्टा खा के बहुत मजा आया, और चल रहे हैं धीरे धीरे घर की तरफ, तब भूख रहा है अच्छा ऊपर है। बहुत ठंड मस्त हवा लग रही है यहाँ पे,
लेकिन गाड़ी निकल रही है गाइस। चना जोर गरम और सेंग कैसे दिया? 20 का सब मिक्स करके 20 का चना जोर भी 20 का। मैं मत बनो, मैं नहीं खाता, दांत खट्टे हो जाते मेरे। चना जोर। चलिए गाइस अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं रेखा का बंगला, वो भी बैंड्रा बैंड स्टैंड में ही है रेखा का बंगला भी, शाहरुख खान और सलमान खान के बंगले के बीच में है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए गाइस मैं आ गया हूँ रेखा के बंगले पे। ये झाड़ है यहाँ पे, इसके लिए दिखता नहीं है, उनका गेट है ये, और वॉचमैन बैठे हैं यहीं पे रहती हैं रेखा। ये सलमान शाहरुख खान का बंगला उधर आगे है, सलमान खान का इस साइड है, और बीच में रेखा का बंगला है। बंगले का नाम वाम तो नहीं दिख रहा है कुछ भी, और ये बादाम का झाड़ है इसके लिए दिख नहीं रहा है वो। तो यहाँ पे बना हुआ है सब एक्सरसाइज करने की, सब मशीनें फिट है। देखिए ये है प्लक्स मारने का, डिप्स मारने का, नमस्कार मारने का, सब बना हुआ है यहाँ पे। एक्सरसाइज करने की सारी मशीनें हैं, सब ऑटोमेटिक ही है। सब एक्सरसाइज करने की है, बच्चे लोग का भी है, खेलने का भी है। रात के टाइम कैसी दिखती है मुंबई देखिए गाइस, कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूबसूरत लगता है रात में। ये तो पूरा वॉकिंग करने का प्लेस है, सब जॉगिंग करते हैं यहाँ पे। 1 किलोमीटर से थोड़ा कम है लेकिन अच्छा है। आपको लेके चल रहे हैं गैलेक्सी अपार्टमेंट, सलमान भाई के घर जिसमें वो रहते हैं, गैलेक्सी अपार्टमेंट में। तो अभी हम पहुंच रहे हैं वहां पे उनके बिल्डिंग के नीचे, तो अभी आपको दिखाते हैं हम। ये देखिए गाइस गैलेक्सी अपार्टमेंट, यहां रहते हैं सलमान खान, और जब फैन लोग से मिलना होता है उन्हें तो ये दिख रहा है, यहाँ पे आते हैं वो और यहाँ से अपने फ्रेंड लोग से मिलते हैं। ये है और ये रहा बिल्डिंग का गेट। ये देखिए गाइस गैलेक्सी अपार्टमेंट, यही है गैलेक्सी अपार्टमेंट, यहाँ पे रहते हैं सलमान भाई, और अंदर सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, सब अंदर तो जाने नहीं देगा, अंदर जाने नहीं देगा भाई, भाई का घर है। तो गाइस यहाँ पे रहते हैं सलमान भाई, गैलेक्सी अपार्टमेंट, बैंड्रा बैंड स्टैंड, समुंदर के किनारे, और उन्हीं के बिल्डिंग के नीचे ये प्रोटीन शॉप है एक, जो बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है बिल्डर लोग के लिए। मैंने भी लिया था लेकिन मेरा क्या वर्कआउट भी बराबर नहीं हो रहा है, टाइम पे नहीं जा रहा हूँ इसलिए नहीं हो पाया। तो आपको बैंड्रा बैंड स्टैंड की सैर करा दिया हूँ, तो कैसा लगा आज का कमेंट में ज़रूर बताना। और शाम के टाइम अगर बैंड स्टैंड घूमना है गाइस तो शाम के टाइम ही आना, शाम के टाइम पे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत मज़ा आता है घूमने में। पीछे मेरे सलमान भाई का घर है गैलेक्सी अपार्टमेंट। तो चलिए गाइस अब चलते हैं घर,
बहुत टाइम हो गया। तो गाइस आ गया मैं घर पे, और घर पे है मेरे सलाम कर माहिर, सलाम अलैकुम, कैसे हो? अच्छे हो? क्या खा रहा है? खा लो तुम। घर पे दोनों चिल्लर बैठे हैं, बड़ी चिल्लर छोटी चिल्लर दोनों। मैंगो बेटा। हाँ बेटा, मैंगो है। कल क्या खा रही है? चौमीन। तू क्या खा रहा है? चौमीन। चौमीन खा रहा है? अच्छा, दिन भर खाते रहता है क्या चौमीन? हाँ, क्या बोलती मेरी जान? पप्पी दे दे ना बेटा, पप्पी दे दे, दादू को पप्पी दे दे। तू मेरा क्या है? मेरा क्या है तू? मेरा कलेजा। क्या है मेरा? मेरा कलेजा है ना। पप्पी दे दो मम्मा। इधर इधर। मिट्टी मिट्टी पप्पी दे दे। ए मेरी जान, क्या बोलता बंटा है? बोल क्या बोलता बंटा है? कैसे हो गाइस? लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटी बजाओ। हाँ जल्दी जल्दी। हाँ माहिर बोल रहा है लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटी बजाओ जल्दी जल्दी, है ना? चलनी चलनी। क्या कर रही है? देखो चिल्लर लोग सब मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्यों आया इधर? तो बिल्ली 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 इधर बिल्ली ले इधर बिल्ली। मैं ये बिल्ली है, ये बिल्ला है, बिल्ला ये बिल्ली। पकड़ 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 काटेगा। पकड़ 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 जल्दी पकड़ जल्दी। क्यों मस्ती कर रहा रे? ए इधर आ इधर आ, ए इधर आ। हाँ आ गया ना, दांत खोल। ये बाप, दांत कौन खाया रे तेरा? सर रोना लग रहा है। तेरी झलक सरफी। डांस करके दिखा, डांस कर, डांस करके दिखा उधर, डांस करके दिखा। वैसा वैसा ऐसा ऐसा वाला वे ए ऐसा ऐसा लंबा लंबा। गरबा खत्म हो गया गाइस, हमारे घर के बाहर ही गरबा होता है यहाँ पे नवरात्रि का। तो दो तीन साल से तो नहीं हुआ, लेकिन इस साल से बहुत धूमधाम से हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है और बहुत भीड़ रहती है। अभी ख़त्म हो गया, अभी बंद हो गया। तो गाइस अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हाँ बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा देना। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो चलिए गाइस, अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे वापिस इससे अच्छी वीडियो लेके।